सभी किसान भाइयों को राम राम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वासु इंडियन फार्मिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें। आज हम सोयाबीन की फसलों की कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे RBS 2024। तो आज ये आप खेत में देख रहे हैं कि ये पूरे खेत में जहाँ तक आप देख पा रहे हैं ये है RBS की 2024 वेराइटी। 90 दिनों में पकने वाली एक शानदार वेराइटी है RBS 2024। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके पौधे, इसमें जो फलियां बनने की शुरुआत हो चुकी है और फलियों में दाना, चूँकि RBS 2024 वेराइटी 90 दिनों की वेराइटी है लेकिन फलियां इसमें और देर से 8 से 10 दिनों के अंदर तैयार हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी इसमें दाना बनने की शुरुआत हो रही है और हमें इसमें अभी फलियाँ बनने की गुंजाइश है। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे इसमें अभी करे हैं। तो RBS 2024 वेराइटी जो है काफ़ी शानदार वेराइटी है और पिछले 3 वर्षों से इसका हम उत्पादन ले रहे हैं और प्रति वर्ष ये 5 क्विंटल से 5.5 क्विंटल प्रति बीघा का उत्पादन देती है। काफ़ी अच्छी वेराइटी है और वेराइटी है, इल्लियाँ इसमें काफ़ी कम लगती हैं और इस बार भी देख सकते हैं कि आप काफ़ी इल्लियों का प्रकोप इस वर्ष रहा है, इसके बाद बहुत कम इल्लियों का अटैक है। आप देख सकते हैं कि इसके पत्ते बिल्कुल अभी चिकने हैं, काफ़ी कम संख्या में पत्तों में छेद हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसको काफ़ी कम रहता है। ओवरऑल ये वेराइटी अच्छी वेराइटी है और GS 95/60 की अवस्था में ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है और इस वेराइटी में तने के नीचे से लेकर ऊपर पौधे की चोटी तक इसमें फल लगता है और फूल भी आता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी हैं, काफ़ी औसत अच्छी ये वेराइटी है और ठीक ठाक उत्पादन देने में ये सक्षम वेराइटी है RBS 2024। तो अपने पास ये लगभग 4 क्विंटल ये वेराइटी लगी है और सभी खेतों में ये वेराइटी का आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी ये हाइट लेती है, लगभग 3 फीट के आसपास की हाइट हो जाती है। जैसे कि मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, आप देख सकते हैं कि फलियाँ काफ़ी इसमें अच्छी हैं और कुछ इस तरीके से इसमें फलियाँ तैयार हो चुकी हैं और भी फलियाँ जो है बनने अभी बाकी रह गई हैं इसमें। तो आप लोगों को कैसी लगी ये वेराइटी RBS 2024 प्लीज़ कमेंट करके। काफ़ी ठीक ठाक ये वेराइटी है और 95/60 के स्थान पर इस वेराइटी को हम पिछले 3 साल से लगा रहे हैं और प्रति वर्ष ये काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है, लगभग 5 क्विंटल प्रति बीघा का इसका उत्पादन पिछले वर्ष आया था। तो ओवरऑल ये वेराइटी काफ़ी शानदार है RBS 2024 और 90 दिनों में पककर ये कटने के लिए तैयार हो जाती है। मोस्टली इसमें 3 दाने की फलियां आती हैं और कहीं कहीं पर 4 दाने की फलियां भी इसमें आती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में आपको जितनी भी फलियां दिख रही होंगी लगभग सभी 3 दाने की फलियां हैं, इसीलिए इस वेराइटी का उत्पादन जो है और जितनी ज़्यादा दाने की फलियां पौधे में होती हैं उतना ही उत्पादन में फ़र्क पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि इस वर्ष का जो मौसम रहा है उसके हिसाब से ये काफ़ी अनुकूल वेराइटी रही है। ख़राब मौसम, काफ़ी दिनों तक पानी नहीं करना, बहुत तेज टेम्परेचर होने के बावजूद भी इस वेराइटी ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन दिखाया है। तो ये थी अपनी RBS 2024 वेराइटी जो कि काफ़ी अच्छी वेराइटी आप कह सकते हैं और बहुत ही शानदार इस वेराइटी में अभी तक फल आया है और उम्मीद है कि अगर इसी तरीके से मौसम तो ये वेराइटी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस कर सकती है और पिछले साल के ही मुकाबले इस वर्ष भी इसका उत्पादन अच्छा देखने को मिल सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लें जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सभी को नमस्कार, राम राम।